दिए माननीय मुख्य अतिथि से इंट्रोडक्शन के उपरांत रमेश जी जो हमारे नवीन शर्मा जी कोई भी मौका नहीं देना चाहती है दोनों टीमें अपने अपोनेंट्स को आज फाइनल टीमें जो दो पहुंची हैं ऊपर और स्टेडियम 11 कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच खेला जा इस कबड्डी आयोजन से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो नवयुवक हैं उनको खेल से जोड़ने में काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और कबड्डी एक ऐसा फील्ड है जहां पे हाई एनर्जी युवाओं की काफ़ी ज़रूरत है। हमारा देश कबड्डी में एशियाड हो या कोई भी कॉमनवेल्थ हो या उससे भी बड़े लेवल के जो वर्ल्ड कप के वर्ल्ड के लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसमें हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। हमारी टीम द बेस्ट मानी जाती है और अगर इस लेवल पर उधमपुर जैसे शहर में हम लोग इस खेल को ज़िंदा रखे हैं और इसकी वजह से हम लोग ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से और रेंज पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपने इस महान खेल को यहां पर न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि इसको आगे की ओर लेकर कबड्डी एसोसिएशन उधमपुर की ओर से जो ये दो रोज़ा जो मुकाबला है ये आज उसका दूसरा दिन है जिसका फाइनल अभी खेला जा रहा है। ये उधमपुर ए और उधमपुर बी के दरमियान खेला जा रहा है। इसमें तकरीबन जो टीमों ने पार्टिसिपेट किया 25 के करीब टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों टीमें थी। इस मुकाबले से बढ़ते हुए दोनों टीमें आगे बढ़ी जिनका मुकाबला ये दोनों टीमें आपस में खेल रही हैं। आज हमारे जो फाइनल मैच के जो चीफ गेस्ट हैं ये हमारे सुजीत कुमार जी IPS DIG उधमपुर रियासी रेंज। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही मुसरफियात की वजह से भी इन्होंने यहाँ पे आए और हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, DIG साहब का, SSP साहब का, DC साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें पूरी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे दी। खेला जा